गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम आज बीएड सेकेंड ईयर रसायन और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत में आज हम प्रयोगशाला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम विज्ञान मेले एवं विज्ञान क्लब के बारे में और विज्ञान संग्रहालय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। विज्ञान संग्रहालय हर एक विद्यालय में आवश्यक रूप से होता है, उसकी आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में पढ़ा। इसके साथ में ही विज्ञान क्लब के बारे में पढ़ा कि विज्ञान क्लब की स्थापना संगठन किस प्रकार का तैयार होता है और किस प्रकार कौन कौन उसमें भागीदार होते हैं और कौन कौन उनके सदस्य होते हैं। इसके साथ में ही हमने पढ़ा कि विज्ञान मेले के बारे में भी हमने पढ़ा कि विज्ञान मेले और प्रदर्शनी का क्या महत्व है और यह कब आयोजित किए जाते हैं और इसके क्या लाभ हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं और इसका जो कार्यकर्मी का जो तरीका होता है, आप एक विज्ञान मेले का आयोजन करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं, वो सारा हमने कर देखा। अब आज उसी कड़ी में हम देखेंगे कि विज्ञान प्रयोगशाला का नियोजन हम किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, दसवीं तक के विद्यालय में एक सामान्य विज्ञान प्रयोगशाला होगी और उच्च माध्यमिक स्तर पर जाने के बाद में अलग अलग विषय की भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला अलग होगी, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला अलग होगी और इसके अलावा जीव विज्ञान की अलग प्रयोगशाला होगी। तो यह प्रयोगशालाएं अलग अलग हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जगह की कमी के कारण इन तीनों प्रयोगशालाओं की कॉमन एक विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जाती है और उस रूम में, उस प्रयोगशाला के कक्ष में तीन अलग अलग पार्ट कर दिए जाते हैं कि ये भौतिक विज्ञान का, ये रसायन विज्ञान का और ये इधर वाला भाग जीव विज्ञान का और ये वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आए। तो इस प्रकार प्रयोगशाला का निर्माण करते समय हमें एक तो उपकरणों की साज सज्जा की एवं उपयुक्त हवा पानी की व्यवस्था का हमें देखना अनिवार्य है, ठीक है ना। इस संदर्भ में कोठारी शिक्षा आयोग में डीएस कोठारी ने कहा था कि विज्ञान को सीखना, ठीक है ना, विज्ञान को सीखना, विज्ञान को स्वयं करना है, इसके अलावा विज्ञान को सीखने के लिए कोई उपयुक्त विधि नहीं है। उनका मानना यह था कि यदि विज्ञान को सीखना है तो विज्ञान को स्वयं करना है, यानी आप खुद विज्ञान के कार्य करोगे। इसके साथ में ही विज्ञान को सीखने के लिए कोई उपयुक्त विधि नहीं बताई कि भाई क्या आप प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से करोगे या व्याख्यान विधि के माध्यम से करोगे या अन्य ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके माध्यम से आप ये कर सकते हो कि यह विधि विज्ञान की सबसे उत्तम विधि है। तो स्वयं करके देखते हैं तो वह सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है, ठीक है। अब हम विज्ञान की स्थापना कर रहे हैं तो उसके उद्देश्य भी निर्धारित कर रहे हैं और उनके उद्देश्य हमारा, देखिए उद्देश्य हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि छात्रों में विज्ञान की रुचि जागृत करना, इसके साथ में ही वैज्ञानिक विचारधारा एवं वैज्ञानिक विधियों का बढ़ावा देना, विचारधारा एवं वैज्ञानिक विधियों को प्रोत्साहन देना,
ठीक है ना। इसके साथ में ही विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनके तौर तरीके हैं, तकनीक हैं की जानकारी देना। बालकों को हम ये बताएंगे देखिए इस उपकरण का यह प्रयोग है, ये डस्टर है, तो डस्टर किस काम आता है हम उसको बताएंगे। यानी हर एक उपकरण का कार्य, उसका महत्व, उसके बारे में बताएंगे और उसके रख रखाव के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। फिर इसके साथ में बालक को हमने निरीक्षण करके हम विज्ञान प्रयोगशाला का और प्रयोगशाला का जब निरीक्षण करेगा तो उसके बारे में हम उसको पूछेंगे कि भाई तेरे को इसमें क्या अच्छाई लगी, क्या कमियां हैं, इसको हम और ज्यादा प्रभावी सुधार करना सकते हैं और क्या होना चाहिए हमारी प्रयोगशाला में, तो वह अपने विचार व्यक्त करेगा। जब इस प्रकार के विचार व्यक्त करेगा तो उसमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना का विकास होगा, ठीक है। इसके साथ में उसमें अमूर्त विचारधारा, अमूर्त वस्तुओं के बारे में, अमूर्त धारणाओं के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होगा। वह सोचेगा कि इस उपकरण का हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में मंथन करेगा और तर्क वितर्क करेगा और उसके बारे में चिंतन करेगा, तो इसमें चिंतन क्षमता का भी विकास होता है। चिंतन क्षमता का जब विकास हो गया तो बालक के अंदर सृजनात्मक सोच विकसित होगी। जब सृजनात्मक सोच विकसित होगी तो वह नए आयाम स्थापित करेगा, नए खोज करेगा, तो इस प्रकार उसमें सृजनात्मकता का विकास होगा। और वह बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर पाएगा और समस्या हल करने की योग्यता का उसके अंदर विकास होगा। इसके साथ में हम वह उस समस्या से संबंधित कार्यों, उस समस्या को हल करने का प्रयास भी करेगा। तो आम दिन विज्ञान प्रयोगशाला के नियोजन के उद्देश्यों के बारे में हमने अध्ययन करा। अगले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह प्रयोगशाला की उपयोगिता और महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।